बड़ी खबर पर नजर, और बड़ी खबर बिहार से है क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर सड़क पर छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने अपील की है कि आप रेलवे की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। देखिए, अग्निपथ योजना के खिलाफ इस्लामपुर में ट्रेन ठोक दी गई है, तस्वीरें देखिए। प्रदर्शनकारियों ने मगध एक्सप्रेस को भी आग के हवाले कर दिया। और इस बीच रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपील की है छात्रों से, युवाओं से, कि आप रेलवे की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, राष्ट्रीय संपत्ति को ना नुकसान पहुंचाए। बावजूद इसके ये देखिए तस्वीरें, अग्निपथ योजना के खिलाफ इस्लामपुर की ये तस्वीर है। इस्लामपुर में ट्रेन को किस तरह से आग के हवाले कर दिया गया है इस विरोध प्रदर्शन की वजह से, ये आप देखिए। और रेलवे ने बताया है कि प्रदर्शन के चलते लगभग 35 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कुछ आंशिक तौर पर रद्द की गई हैं, और 100 के आसपास ट्रेन जो है वो लेट लतीफ यानी देरी से चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी किसको हो रही है? आम जनता को, आम नागरिकों को, आम मुसाफिरों को। और ये विरोध आउट कंट्रोल, अब केंद्र का डैमेज कंट्रोल। लेकिन दो तस्वीरें आपके समक्ष, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये इस्लामपुर स्टेशन की तस्वीर, बिहार स्थित, किस तरह से इस ट्रेन को, इस बोगी को आग के हवाले कर दिया गया, ये आप देख सकते हैं। वही दूसरी तस्वीर नवादा बिहार की तस्वीर है, यहां भी वही तस्वीर, विरोध प्रदर्शन के नाम पर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया।